अस्सलाम वालेकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेजबान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसीसा द्वारा। हमारा ये चैनल अनवर हुसैन खलीफा के नाम से है, जिस चैनल से आप ये बुजुर्गान दीन औलिया करामों के मुकद्दस दरबार की जियारत कर रहे हैं। तो आज हमारा सफर जियारत औलिया कराम बोर सद की सरजमी से है, और बोर सद की सरजमी पे जिस तरह से बुजुर्गान दीन औलिया कराम आराम करते हैं, उनमें से आज जिस दरबार में हमारी हाजिरी है वो एक कदीम जमाने की महान हस्ती है, जिसका नाम है हजरत सैयद दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो दीन इस्लाम के लिए शहीद हुए हैं। और दूसरे है हजरत मुश्ताक अली मस्त कलंदर, जिससे कि चौचा शरीफ वाले मोदी से आजम में हिंद बहुत मोहब्बत किया करते थे। ऐसे दो महान वलिए कामिल के मुकद्दस दरबार की आज हमारी जियारत है, और इंशाल्लाह हम भी जियारत करें, आपको भी जियारत करवाए, और आप सब इस वीडियो को शेयर करके अवाम तक पहुंचाए, ताकि इस जियारत औलिया इकराम में हर इंसान को इसका फैज मिले। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि कोई भी नया वीडियो, नया ब्लॉग हम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। तो चलो दोस्तों, आज हम चलते हैं बोरसर की सरजमी पे एक कदीम ज़माने की महान हस्ती के मुकद्दस दरबार की ज़ियारत करें, जो सादुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने जाते हैं। और वैसे अगर मैं कहने जाऊँ तो आज सुबह से मैंने तीसरी मज़ार की ज़ियारत की है। तीनों बुजुर्गान दीन औलिया इकराम बोरसर की सरजमी को ऐसे मिले हैं जिसकी शान, जिसका मर्तबा अगर मैं देखने जाऊं तो तीनों शहीद मिले हैं। वैसे तो बोरसर की सरजमी पे कई बुजुर्गान दीन औलिया इकराम आराम करते हैं कदीम ज़माने से, और ये भी मोहम्मद बेगड़े के ज़माने से है। और ऐसी हस्तियाँ बुजुर्गान दीन औलिया इकराम बोरसर की सरजमी को मिले हैं। लेकिन एक बात मैं बताता चलूं कि एक ही गांव में शहीदी का मर्तबा मिला है, ऐसी मैंने सुबह से तीसरी मज़ार की ज़ियारत की है, और इंशाल्लाह कई मज़ाराते बोरसर की सरजमी पे है, जो इंशाल्लाह मैं यहाँ की जो बातें हैं मैं सुनी है। तो इसी तरह से ये महान वली कामिल इस जगह पे आराम करते हैं बोरसर की सरजमी पे, जो सादुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने जाते हैं। और मैं दूसरी बात बताता चलूँ, यहाँ एक कदीम ज़माने के महान हस्ती जो आराम करते हैं मुश्ताक अशरफी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने जाने वाले, ये महान हस्ती वो है जो पाकिस्तान से गुजरात की सरजमीन बोरसर की सरजमी पे आए, तशरीफ़ लाए, दीन इस्लाम की तबलीग की। और इनके अलावा ये मैं बताता चलूँ कि ये महान हस्ती वो महान हस्ती है जिनके नाम से यहाँ एक शेर लिखा गया है, जो मोदी से आज़म में हिंद जो कि चौचा शरीफ में आराम करते हैं, उन्हीं के मुबारक अल्फाज जो लिखे हैं यहाँ, जाने क्यों देख के आनंद का इजलास मुझे, याद मुश्ताक अली मस्त कलंदर आया, हामिये खैर जिसे मुफ्ती आज़म ने कहा, जहरे में मेरे वो किस्मत का सिकंदर आया, जो मोदी से आज़म हिंद इनों की ज़ुबान से लिखा हुआ ये अल्फाज है, जो यहाँ बुजुर्गान दीन औलिया इकराम जो मैंने आपको मुश्ताक अशरफी जो आराम करते हैं उनकी बारगाह की ज़ियारत तो करवाऊँ, लेकिन गुजरात की सरजमीन वो खुशनसीब सरजमीन है जहाँ कि चौचा शरीफ की महान हस्ती मोदी से आज़म में हिंद अगर गुजरात की सरजमी पे पहली मर्तबा, गुजरात के इतिहास में पहली मर्तबा तशरीफ लाए, तो वो हिंदी की जो मुश्ताक अशरफी है इनकी बदौलत गुजरात की सरजमी पे ऐसा आयोजन किया गया, पहली मर्तबा मुश्ताक अशरफी ने कि चौचा जाके वहाँ से मोदी से आज़म को गुजरात की सरजमी पे
दावत दी और यहाँ को आयोजन जिस तरह से किया गया, पहली मर्तबा अहमदाबाद की सरजमी पे तकरीर का आयोजन किया गया और उसके बाद बोरसर की सरजमी पे जहाँ तकरीर का आयोजन किया गया, उसी दौर से मोदी से आज़म हिंद यहाँ मस्तान मुश्ताक अशरफी से बहुत मोहब्बत करते थे। ये जो आयोजन किया गया था पहली मर्तबा तकरीबन 1960 के आसपास, तकरीबन आज से 51 साल पहले गुजरात की सरजमी पे ये आयोजन किया गया था। ये आयोजन तमाम तमाम मस्तान मुश्ताक अशरफी के हाथों से हुआ था और मोदी से आज़म हिंद जो कि चौसा शरीफ में आराम करते हैं, वो भी बहुत इन बुज़ुर्ग से मोहब्बत किया करते थे। जो कि चौसा शरीफ हम जाते हैं वहाँ एक गेट पे लिखा हुआ है बाबे मुश्ताक अशरफी, एक गेट पे लिखा हुआ है जहाँ मोदी से आज़म हिंद का दरबार है, उसी जगह पे ये गेट का नाम लिखा गया है। इतनी मोहब्बत किया करते थे मोदी से आज़म हिंद और पहली मर्तबा मोदी से आज़म हिंद को गुजरात की सरजमी पे दावत दी थी। ऐसे महान वली कामिल के मुकद्दस दरबार में आज हमारी हाज़िरी है और इंशाल्लाह दरगाह शरीफ के अंदर जाते हुए शाह दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मुकद्दस दरबार की ज़ियारत भी करेंगे और जो भी जानकारी यहाँ की है मैं इंशाल्लाह आपको बताता चलूँ। बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन औलिया कराम बोरसर की सरजमी पे आराम करते हैं, इनमें से ये महान वली कामिल का मुकद्दस दरबार है जो अंदर इंशाल्लाह मैं आपको ज़ियारत करवाता चलूँ। ये वो महान वली कामिल है कदीम ज़माने से, मोहम्मद बेगड़े के ज़माने से ये महान वली कामिल आराम करते हैं और उस ज़माने से अगर देखने जाए तो ये गुंबद नई तामीर की गई है ये इस दरगाह शरीफ की। लेकिन उस ज़माने में एक ऐसा जादूगर था जो जहाँ की मज़ार शरीफ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता था और जादूगर ने ये इरादा किया कि मैं जादू के ज़ोर से मज़ार शरीफ के अंदर से जहाँ का जो जिस्म है वो जिस्म इंशाल्लाह मैं निकाल के रहूँ। ऐसा जादूगर ने उस दौर में उस ज़माने में इरादा किया था। लेकिन ये महान वली कामिल अपना गुंबद को चीर के उस जादूगर को गायब कर दिया और ख़ुद भी इसी गुंबद के बाहर निकल गए, किसी को पता भी नहीं चला। ये गुंबद कई मर्तबा कई सालों तक खुला रहा था और जब भी बारिश आती थी तो बारिश का कोई भी छींटा दरगाह शरीफ के अंदर नहीं आता था। बारिश जितनी भी आए दरगाह शरीफ के बाहर गिरती थी लेकिन वो बारिश का पानी दरगाह शरीफ के अंदर नहीं आता था। ऐसे महान वली कामिल के मुकद्दस दरबार में आज हमारी हाज़िरी है। लेकिन मैं ये इतना ज़रूर बताता चलूँ कि बोरसर की सरजमीन खुशनसीब सरजमीन है जो मैंने आज अक्सर तीन बुज़ुर्गान दीन औलिया करामों के मुकद्दस दरबार की ज़ियारत की है, अल्लाह वालों की ज़ियारत की है और तीनों दरबार में मैं गया तो ये शान ये मर्तबा तीनों को मिला है, तीनों शहीद हुए हैं। ऐसी महान हस्ती अल्लाह वाले बोरसर की सरजमी पे आराम करते हैं। ये मैंने तीनों बुज़ुर्गान दीन औलिया कराम का दरबार मैंने देखा। इसी तरह से तीनों दीन इस्लाम के लिए और बोरसर की सरजमी के लिए शहीद हुए हैं। ऐसा मर्तबा इन्हीं बुज़ुर्गान दीन औलिया करामों को मिला है। इंशाल्लाह मैं भी आपको ज़ियारत करवाता चलूँ। जो मैं ज़ियारत करता हूँ ये मेरा दोस्त महबूब खान के वजह से आज मैं यहाँ आया हूँ और इस दरबार की मेरी हाज़िरी हुई है और इंशाल्लाह आपको भी मैं इस दरबार की ज़ियारत करवाता चलूँ। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर एंड ट्रैवल्स आयोजित करसी शाह ज़ियारत औलिया कराम करते हुए यहाँ का जो दरबार है मैंने जिस तरह से आपसे बात की कि दरगाह शरीफ उस ज़माने में जो जादूगर था तो जादूगर को तो किस तरह से गायब कर दिया लेकिन ये दरगाह शरीफ अपने आप देखते हैं ये अंदर गुंबद में जो सिराट है जो दरगाह पूरी खुल गई है, गुंबद पूरा खुल गया था
इसी तरह से ये कई सालों तक ऐसा ही रहा और उसके बाद जब भी बारिश पड़ आती थी तो बारिश का पानी एक कतरा भी दरगाह शरीफ के अंदर नहीं आता था। ये है पुरानी मज़ार शरीफ, हज़रत शादुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मुकद्दस दरबार है जो पुरानी मज़ार शरीफ है। इस तरह से ये मज़ार शरीफ पूरी अलग हो गई थी लेकिन कोई नुकसानी नहीं हुई थी। ऐसी वलियों की करामती है। ये मस्जिद है जो दरगाह शरीफ के बिल्कुल पास है और ये भी एक मज़ार शरीफ है जो दरगाह शरीफ से इस दरगाह शरीफ के बिल्कुल पास है। यह अल्लाह के महबूब बंदे हैं जो इसी जगह पे आराम करते हैं।